अगर आप गिल्ट का शिकार हैं और आप परेशान हैं अपनी माजी की किसी गलती से, किसी गुनाह से, और उसको डील नहीं कर पा रहे, आपकी आज की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, तो आइए जानिए कि हम अपने गिल्ट को डील कैसे कर सकते हैं। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, सोफिया सुहेल हियर। आज इस टॉपिक पे बात करूँगी मैं, खैर में हम हर किसी को ये मसला पेश है, गिल्ट का शिकार होना। वो लोग बहुत कामयाब हैं, वो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, वो लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं जो गिल्ट का शिकार नहीं है। अब गिल्ट होता क्यों है? हर किसी का क्राइटेरिया डिफरेंट है गिल्ट का। कोई गुनाह हो गया, कोई हद पार कर दी है, किसी को हर्ट कर दिया है, कोई काम गलत हो गया, हम गिल्ट का शिकार हो जाते हैं और वो रिग्रेट हमारी ज़िंदगी को इंटरप्ट करता रहता है। अब गिल्ट है क्या? गिल्ट बेसिकली एक एहसास है कि कुछ गलत हो गया, हमसे कुछ गलत हो गया, हमने कुछ गलत कर दिया, हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। कुछ गिल्ट का ज़्यादातर ताल्लुक हमारे माजी से है, माजी में गलती हो गई है, माजी में गुनाह हो गया है और हम उसको हल, वो दिल में रह गया, वो एहसास जम गया, वो गिल्ट है। अब गिल्ट को डील कैसे करना है, गिल्ट को समझना कैसे है? सबसे पहले तो ये देखें, क्या गिल्ट का जो भी गिल्ट आपको है, जो भी एहसास आपको है, क्या इसका ताल्लुक किसी इंसान से है? कोई आपका रवैया आपका ऐसा था जिसने किसी को हर्ट कर दिया, या अपनी ज़ात से है? अगर ये गिल्ट का ताल्लुक आपके किसी गुनाह के साथ है, तो अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत रहमान है, तो हम अल्लाह से माफ़ी मांग कर उस गिल्ट से छुटकारा पा सकते हैं। सच्चे दिल से तौबा करें और दोबारा अहद करें कि हम वो गुनाह नहीं करेंगे, तो हम जो हमारी ज़ात से रिलेटेड गुनाह है, जो हमारी ज़ात से रिलेटेड गिल्ट है, वो ख़त्म हो जाएगा। आसान हल है बिल्कुल। दूसरा हल किसी इंसान से रिलेटेड है, ऐसा इंसान जिसको आपने हर्ट कर दिया, जिसको आपने तकलीफ़ पहुँचा दी, अगर वो जिंदा है तो जाकर माफ़ी मांगें उससे और दोबारा कोशिश करें कोई ऐसा रवैया ना करें, ना सिर्फ उस इंसान के साथ बल्कि बाकी दूसरे इंसानों के साथ भी, कि आपके उस रवैये से किसी को तकलीफ़ ना हो। और अगर आप ये कहते हैं वो इंसान इस दुनिया से जा चुका है, तो हम किस तरह करें? तो आप उसकी फैमिली से रिलेटेड, उसकी फैमिली में जो मौजूद लोग हैं उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनके सामने अपने इजहार करें और उनसे माफ़ी मांगें। माफ़ी देना और माफ़ी मांगना एक बेस्ट तरीका है अपने आप को गिल्ट से दूर करने का। हम जब गिल्ट में होते हैं तो हमारी ज़िंदगी रुक भी जाती है, तो अपने गिल्ट को डील करें, रादर के उस गिल्ट को अपने अंदर रखें। जब हम गिल्ट को डील करते हैं, पछतावे को डील करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।